ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोरोना काल के चलते इस बार भी रथ यात्रा बिना श्रद्धालुओं के मौजूदगी के। रथ यात्रा से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को जगन्नाथ अष्टकम रिलीज किया है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस भजन को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और कैलाश खेर ने गाया है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए रथ यात्रा का दिन बेहद खास होता है। बीजेपी नेता संबित पात्रा पुरी के ही रहने वाले हैं। रथ यात्रा के लिए समर्पित भजन में कैलाश खेर के साथ संबित पात्रा ने भी सुरों का साथ दिया है। बता दें आपको कि 12 जुलाई सोमवार के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल बता दें आपको कि ओडिशा के पुरी में प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि कोरोना काल के चलते सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रथ यात्रा केवल पुरी में सीमित दायरे में कोर्ट ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए पूरे राज्य में रथ यात्रा को निकालने पर पाबंदी लगा दी। ऐसे में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रथ यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकाल कर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा देवी के मंदिर पहुंचाया जाता है। गुंडिचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम इस पर जरूर।